चलिए तो आज बना लेते हैं पालक पनीर, और वो भी बहुत ही आसान तरीके से बनाएंगे, और इसको बनाना ही बहुत आसान है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने लिए हैं कुछ साबुत मसाले, जैसे कि टमाटर, प्याज, हरी मिर्ची, लहसुन और अदरक। इनको हम लोग पीसेंगे, और अदरक को मैं अलग से सिलबट्टे में पीसूंगी। और जी ये देख लीजिए, मैंने लिया है पालक, ये छोटी छोटी पत्तियों वाला पालक लिया है, और इसको धो के साफ़ करके इसको उबालने के लिए भी रखेंगे। तो सबसे पहले मैंने एक मिक्सी का जार लिया है, उसमें डाल देते हैं जो मसाले मेरे को पीसने हैं, जैसे कि टमाटर, प्याज, हरी मिर्ची और लहसुन। इन सबको मैं मिक्सी में पीस लूँगी, और अदरक को मैं अलग से सिलबट्टे में पीसूँगी, क्योंकि वो मुँह में आती है तो बेकार लगती है। चलिए तो एक गैस पर मैंने रख दिया है बर्तन, बर्तन में डाल देते हैं धुला हुआ पालक है ये, और इसको उबाल लेते हैं 5 मिनट के लिए। ये देखिए हमारा पालक उबल चुका है। तो मैंने अब इसको हटा के कढ़ाई में रख दिया है थोड़ा सा सरसों का तेल, और उसमें डाल दिया पनीर फ्राई करने के लिए। आज पनीर को फ्राई करके बनाएंगे, और वो भी थोड़ा सा हल्का हल्का फ्राई हो जाता है तो स्वाद अच्छा आ जाता है कच्चे पनीर से। तो आप कच्चा पनीर भी डाल सकते हैं, और इस तरह से फ्राई करके भी डाल सकते हैं। देखिए मैंने ज़्यादा फ्राई नहीं करा था इसे, और पालक को मैंने उस बर्तन में से निकाल के ठंडा होने के लिए रख दिया था। तो जो पानी बचा है हमारे पास में, जो पालक का पानी था, तो मैं उसी में डालूँगी, क्योंकि पानी बहुत अच्छा है। एक तो हेल्थ के लिए भी अच्छा हो जाएगा, क्योंकि पालक उबाली है इसमें, तो उसी मैंने पनीर डाल दिया है। और इसमें डाल दिया है मैंने कम करके थोड़ा सा तेल सरसों का कढ़ाई में से, और उसमें डाल दिया जीरा, 4-5 सूखी लाल मिर्चियाँ, फिर डाल दिया प्याज। और देखिए मैंने कहा था ना मैं सिलबट्टे पे अलग से पीसूंगी अदरक को, तो मैंने उन मसालों में ही डाल दिया, जैसे कि प्याज, हरी मिर्ची, लहसुन और टमाटर में। इन सबको मैंने अच्छे से कर लिया मिक्स, 1-2 मिनट के बाद में पकाने के बाद मैंने डाल दिया इसमें नमक, मिर्ची, हल्दी और थोड़ी सी काली मिर्ची। काली मिर्ची ज़रूर डालना, इससे स्वाद बहुत अच्छा आता है पालक पनीर का। और फिर थोड़ा सा डाल देते हैं धनिया पाउडर, और थोड़ा सा डालते हैं गरम मसाला, और आप लास्ट में डाल देते हैं कसूरी मेथी। अब इनको भी अच्छे से डाल के मिक्स करके, और थोड़ा सा जब तक तेल ना छूट जाए तब तक उस मसालों को पका लेंगे, और साइड में रखते हैं जार। और जार में फिर मैंने पालक ठंडी हो चुकी थी थोड़ी सी, तो उनको पीस लिया है। और इसी टाइम पर मैंने जैसे मसाला तेल छोड़ रहा था, तो मैंने 2 चम्मच के करीब दही डाल दिया है, और दही से भी पालक पनीर बहुत स्वाद बनती है। देखिए हमारा मसाला पक चुका है इस टाइम पे, तो जो मैंने पालक पीस के रखी थी अब वो डाल देते हैं इसमें। और जो मैंने पालक को उबाला था, जिसमें पनीर डुबो रखा था, वही पानी हम यूज़ करेंगे अभी। तो बर्तन में जो पालक लगी हुई थी उसको मैंने थोड़ा सा पानी डाल के वही वाला तो डाल दिया है इसमें ही। और इस पालक को हम पकाएंगे कम से कम 5 से 10 मिनट के लिए, जो अच्छे से गाढ़ा हो जाए पालक। और फिर जो उबाल क्या फ्राई करके रखा था पनीर, तो वो भी डाल देते हैं। और देखिए अपना पालक पनीर कितना सुंदर, कितना अच्छा दिख रहा है। और देखिए अपना पालक पनीर कितना सुंदर और कितना अच्छा दिख रहा है। और लीजिए अपना पालक पनीर बनकर तैयार है। जैसे मैंने बनाया आप भी बनाइए, एक बार ज़रूर बना के देखिएगा। और इसमें थोड़ा सा मैंने डाल दिया लास्ट में बटर, थोड़ा सा डाला है, आपका मन है तो थोड़ा ज़्यादा डाल सकते हैं। और इसमें थोड़ा सा क्रीम है तो क्रीम डाल लीजिए, नहीं तो सादा ही दूध की मलाई है वो फेंट के डाल दीजिए। और अपना पालक खाने में भी अच्छा और दिखने में भी सुंदर, इस तरह से बनाइए। और मेरी वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके देखिए जी, मेरी वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं।